आज हम बनाएंगे जलेबी। ये देखिए कितनी अच्छी जलेबी बनके तैयार हुई है। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चीनी लिया है और 2 कप चीनी में हम डालेंगे 1.5 कप पानी। तो आप इसी एक अपना कोई चीज़ मेज़र कर ले, कटोरी या कप, उसी के हिसाब से आप चाशनी बनाएं। तो अब हम इसमें 1.5 कप पानी डाल दिए हैं। अब हम इसे गर्म होने देंगे, इसका हमें चाशनी बनाना है अच्छे से। इसमें हम 2 इलायची को अच्छे से डाल देंगे और थोड़ा सा 1 पिंच हम इसमें फूड कलर डालेंगे ऑरेंज कलर का, ताकि चाशनी का कलर अच्छा है और हमारी जलेबी अच्छी कलरफुल बन के रेडी हुए। तो चाशनी हमारी देखिए, चीनी हमारा पिघल चुका है और चाशनी अभी बनी नहीं है क्योंकि हमें इसे एक तार का चाशनी बनाना है, जिसे हम और थोड़ा गर्म होने देंगे। तब तक हम यहाँ बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और 1 कप मैदे में मैंने 2 चम्मच भर के घी डाला है, ये देसी घी है। और अब हम घी और मैदे को अच्छे से हाथों की मदद से मिला देंगे। अच्छे से मिला लें और जब इसमें इस तरह से उठाने के बाद इस तरह से ये इकट्ठा हो जाए तो आप समझिएगा आपका आटा रेडी है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे धीरे धीरे, एक बार में ही ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके बनाएं और इसका एक थिक बैटर बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए ज़्यादा पानी नहीं देना है और एक ही डायरेक्शन में हमें चम्मच को रोल करना है। तो हल्का हल्का पानी देकर हम हमारी जलेबियाँ तैयार करेंगे। इसी तरह से हम अपना बैटर बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा बैटर कितना अच्छा से स्मूथली बन गया है और बहुत ही अच्छा बना है। देखिए किस तरह से हमारा बैटर तैयार हो चुका है। तो अब हम चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी भी हमारी रेडी हो चुकी है, ये देखिए हमारे। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और ये देखिए इस तरह से करने पे एक तार की चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसे इसमें 2 बूंद नींबू डाल देंगे ताकि हमारी चाशनी जमे ना। तो इसमें आप नींबू ज़रूर डालिएगा। और ये देखिए हमारा बैटर भी फूल चुका है। तो इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच भर के इनो डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे एक डायरेक्शन में ही। इनो हमारा अच्छे से मिल चुका है। हमें इसमें एक भी लम्स नहीं रखना है, सारे अच्छे से मिलाना है। ये देखिए कितना स्मूथली हमारा बैटर रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैंने इस तरह का एक पाइपिंग बैग लिया है, आप चाहे तो कोई पॉलीथीन से भी इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से 1 पिंच फूड कलर लिया है ऑरेंज कलर का और इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो 1 पिंच फूड कलर से ही हमारा पूरा अच्छा से रंग आ जाएगा, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा ही डालना। और अब हम इस बैटर को पाइपिंग बैग में डालेंगे। तो 1 गिलास में हमने पहले पाइपिंग बैग को रख लिया है और अब हम हमारे बैटर को उसमें डाल रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा बैटर हमारा जा रहा है। तो बैटर हमारा जा चुका है पाइपिंग बैग में। अब हम पाइपिंग बैग को इस तरह से बंद कर लेंगे एक रबड़ लगा के। यहाँ पर हम एक रबड़ बांध लेंगे और यहाँ हमारा नीचे तक हम अच्छे से पहुँच गया है। नीचे में हम एक कट लगा लेंगे ताकि हमारी जलेबी इसी से बनेंगी। तो कट लगा ले फ्रेंड्स और यहाँ बांध ले। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम अपनी जलेबी इस तरह से गोल गोल घुमा कर बनाएंगे। अब अपने हिसाब से
कट कर सकते हैं पतला या मोटा। अगर आप पतला करोगे तो इस तरह से जलेबी हमारी पतली पतली बनेगी, अगर आप मोटा करोगे तो मोटी जलेबियाँ बनेगी। बस बैटर हमारा थिक होना चाहिए, ज़्यादा थिन नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा जलेबी एक तरफ से पक गया है और ये तुरंत बन जाती है फ्रेंड्स, एकदम डालते ही ये नीचे से गर हो जाती है। तो इसे हम पलट कर दूसरे साइड से हम इसे कर लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी जलेबी हमारी बन के रेडी हुई है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही अच्छी बन दिख भी रही है ये। तो जलेबी हमारी ये एकदम अच्छी रेडी है। अब हम इसे गर्म ही गर्म में इसमें हम चाशनी डाल देंगे, मतलब हम तेल से निकाल के इसको चाशनी में डुबो देंगे। तो जब तक हमारा जलेबी चाशनी पी रहा है तब तक हम दूसरा बैच भी रेडी कर लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स ये देखिए कितना अच्छे से हमने गोल गोल जलेबी बना के रेडी किया है। बहुत ही आसान है जलेबी बनाना, बस बैटर और चाशनी ही बनाना पड़ता है और इसे आप नाश्ता लंच कभी भी खा सकते हो। एकदम बाहर जैसी बनी हुई है, एक तरफ से पक जाने के बाद हम इसे पलट देंगे और गरम इसको निकाल कर हम इसमें चाशनी में डाल देंगे। देख सकते हैं, तो ये देखिए हमारे जलेबियाँ बन के रेडी हो गई है। तो खाओ पियो और इन्जॉय करो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।